हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्सेस सेलेक्ट रीट आईपीओ की मैं आपको बता दूं ये एक रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का आईपीओ है इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस आईपीओ का डे टू का सब्सक्रिप्शन फिगर कैसा रहा और लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स क्या है इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू तो हिट दब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो चलिए बात करें नेक्सेस सेलेक्ट रीट आईपीओ की तो आप देख सकते हैं ये एक रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जो इंडिया की मोस्ट प्रोमिनेंट सिटीज में अवेलेबल है आप लोगों ने जैसा कि नाम सुना होगा नेक्सेस एलान्टे नेक्सेस कोरमंगला नेक्सेस शांति निकेतन दीज आर बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स जो इस कंट्री में रन होते हैं और आप यहां पे देख सकते हैं कि ये फोर्टीन सिटीज में अवेलेबल है इंडिया के राइट right? तो अगर मैं आपको दिखाऊं इस पर्टिकुलर आईपीओ की डिटेल्स तो ये इस मे नाइन्थ को खुला था और अभी तक इसके दो दिन कंप्लीट हो चुके हैं जो प्राइस बैंड है इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए वो है नाइनटी फाइव टू हंड्रेड रुपीज का और एक लॉट में आपको एक सौ पचास शेयर्स मिलते हैं Now, ये जो आईपीओ है उसका टोटल साइज है थर्टी टू हंड्रेड करोड़ रुपीज का जिसमें से ऑलरेडी मैं आपको बता दूं तो फोर्टीन हंड्रेड करोड़ कंप्लीट हो गए हैं बाय एंकर इन्वेस्टर्स इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से बड़े एंकर इन्वेस्टर्स या एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट जो मेरे पास है कौन कौन से इंस्टीट्यूशन के नाम है उन लिस्ट में और आपको क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर आईपीओ में वेदर यू शुड सब्सक्राइब और नॉट आप देखेंगे यहां पे जो अलॉटमेंट है उस वो होने वाला है मे सिक्स 2023 को और जो लिस्टिंग डेट है इस पर्टिकुलर आईपीओ की वो है मे 19 2023 चलिए अब बात करें इसके फाइनेंशियल्स की तो कंपनी का फाइनेंशियल्स काफी हद तक सुधरते हुए दिखाई दिए हैं आफ्टर कोविड आप देखेंगे मार्च 2020 में ये प्रॉफिट कर रही थी दो करोड़ रुपीज का However, जो मार्च 31, 2022 में हो गया था माइनस टेन करोड़ रुपीस अभी दोबारा से दिसंबर के महीने में जो 31 दिसंबर 2022 का था उस पर इस पर्टिकुलर कंपनी ने 257 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिखाया है अपने रिजर्व्स को भी इंक्रीज किया है साथ ही साथ जो कंपनी की बोरोइंग्स है डेट है वो भी कम होता हुआ दिखाई दिया है इस पर्टिकुलर आईपीओ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आप देख सकते हैं ये अपने डेप्ट को फुली रीपे करना चाहते हैं प्लस जर्नल कॉर्पोरेट परपज पर 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 है और न्यू डेप्ट सिक्योरिटीज की एक्विजिशन करना चाहते हैं जो आज का सब्सक्रिप्शन फिगर है जो रिटेल इसके लिए आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन फिगर है आप देख सकते हैं क्यू से यहाँ पे अभी तक डिमांड दिखाई नहीं दी है क्यू का जो पोर्शन है वो काफी बड़ा है हाउएवर 0.17 परसेंट का ही डिमांड अभी तक दिखा है एज वेल एज जो अदर कैटेगरीज है एच की उसमें वन की डिमांड या सब्सक्रिप्शन देखी गई है तो टोटल सब्सक्रिप्शन इस पर्टिकुलर आईपीओ का जो हुआ है वो है 0.57 अभी तक ये आईपीओ फुली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए कोई सब्सक्रिप्शन नहीं रखा गया है या शेयर्स नहीं रखे गए हैं तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आपकी जो कैटेगरी बनती है वो है अदर्स की राइट right? तो आपको सीधा जाना है अलॉटमेंट लगाना है आपको एक लॉट में 150 शेयर्स मिलेंगे जो होता है पंद्रह हजार रुपये प्लीज मेक श्योर कि अगर आपको ये पर्टिकुलर आईपीओ चाहिए तो आप अपर प्राइस बैंड पे ही इस पर्टिकुलर आईपीओ uh, के लिए एप्लीकेशन को लगाए चलिए बात करें अब एंकर लिस्ट की यह है नेक्सेसलेक्ट्रेस्ट की एंकर लिस्ट और यहां पे आप देख सकते हैं 20 बड़ी कंपनीज या 20 बड़ी इंस्टीट्यूशन के नाम आते हुए दिखाई दिए जिसमें से सबसे ज्यादा जो किसी कंपनी ने पैसा लगाया है इस पर्टिकुलर आईपीओ के एंकर पोर्शन में तो वो है एच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एच ट्रस्टीज और कुछ बड़े नाम इस पर्टिकुलर आईपीओ में आते हुए दिखाई दिए है जैसे कि मॉगन स्टैंडली मॉगन स्टैंडली एशिया सिंगापुर टाटा इन्वेस्टमेंट्स भी दिखाई दिया है इसमें एज वेल एज आप देखेंगे तो एस का नाम भी आता हुआ दिखाई दिया है इस पर्टिकुलर आईपीओ की एंकर लिस्ट में तो आप यूं समझ लीजिए कि इस पर्टिकुलर आईपीओ में डिमांड तो क्रिएट की जा रही है बट अभी तक जो रिफ्लेक्शन है इस पर्टिकुलर आईपीओ का ऑन द सब्सक्रिप्शन बेसिस इज नॉट वेरी गुड आप वेट कर सकते हैं कल के दिन का अगर कल के दिन अगेन क्यू आई बीस के पोर्शन पे अच्छा सब्सक्रिप्शन आता है टेन टू ट्वेंटी टाइम्स देन ओनली आपको इस पर्टिकुलर अलॉटमेंट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए अभी तक मैंने इसमें कोई भी एप्लीकेशन नहीं डाली है हाउएवर जो इसकी वैल्यूशंस है वो काफ़ी अच्छी है जो प्राइस बैंड है काफ़ी अच्छा रखा गया है इन्वेस्टर्स के लिए रूम है बट अगर इसमें इंस्टीट्यूशंस की डिमांड नहीं आती है तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में एक अच्छा प्रीमियम या लिस्टिंग गेन कमा सकते हैं ऑन कॉन्ट्रेरी अगर आप रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ के थ्रू तो आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर इसमें डिमांड नहीं देखी गई कल के दिन भी तो आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए इसे लिस्ट होने देना चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए कि यह पर्टिकुलर आई कैसे ट्रेड करता है अब बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फॉल होता हुआ ही दिखाई दिया है हमें एक टाइम पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम पांच रुपए चल रहा था फाइव परसेंट अप था जो आज गिरकर कर टू परसेंट हो गया है नाउ द रीजन अगेन कि इसकी डिमांड नहीं है सब्सक्रिप्शन फिगर अच्छे नहीं आ रहे हैं जिसके वजह से ग्रे मार्केट इसका ठंडा पड़ा हुआ है अगर कल क्यू या इंस्टीट्यूशन से डिमांड आती है और तो आप एक तरफा तेजी भी देख सकते हैं इस पर्टिकुलर ग्रे मार्केट प्रीमियम में अगर ऐसा नहीं होता है तो ये फर्दर कैन गो डाउन और ये नेगेटिव भी लिस्ट हो सकता है ऑन द लिस्टिंग डे मैं आपको डरा नहीं रहा हूं हमने सेम चीजें डिस्कस की थी मैन कैंड फार्मा आईपीओ के लिए अगर उसमें क्यू आई का सब्सक्रिप्शन होगा टेन टू ट्वेंटी टाइम्स तो हम उस पर्टिकुलर आईपीओ में एक लॉट लगाएंगे हाउएवर उस दिन तो क्यू ने हमें चौंका दिया था विद फोर्टी टाइम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन जिसके वजह से हमने उसमें अलॉटमेंट लिया था तो मेरी तरफ से मेरा सजेशन यही है कि आप इस पर्टिकुलर आईपीओ का कल का सब्सक्रिप्शन पे अगर देख सकते हैं अगर आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में अलॉटमेंट लेना है तो क्यू का आना इस पर्टिकुलर आईपीओ में बहुत जरूरी है तभी आपका पैसा बनता हुआ दिखाई दे सकता है आ, आपको आ, ये जो वीडियो है ये कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज है मैं अपनी रिसर्च आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं फॉर द टाइम बिंग अभी तक मैं इस पर्टिकुलर आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूं और मैं इसे अवॉइड ही करूंगा अगर इसमें कल के दिन तीन बजे तक क्यू आई का टेन सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो बात करें मैनकाइंड फार्मा की तो आप देख सकते हैं मैनकाइंड फार्मा में मैंने अगेन आज के दिन ट्वेंटी परसेंट का एक और लॉट एग्जिट कर दिया है मैंने आपको बताया था कि मेरा स्टॉप लॉस है टेन थर्टीन एटी का अगर थर्टीन एटी ब्रेक होता है तो मैं इसमें से ट्वेंटी परसेंट और एग्जिट कर लूंगा तो आज के दिन वही हुआ आज के दिन ये स्टॉक अच्छी ओपनिंग दी थी इसने 1422 के आसपास उसके बाद ये गिरना स्टार्ट हुआ मैंने 20 परसेंट का स्टेक जो स्टॉप लॉस था 1380 पे लगाया था वो 20 परसेंट हिट हो गया है अब मेरे पास सिर्फ 60 परसेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बचा है इस पर्टिकुलर आईपीओ में जो मैंने इस बिगनिंग में लिया था जो पांच सब्सक्रिप्शन मुझे मिले थे हाउएवर अगर ये पर्टिकुलर आईपीओ सस्टेन नहीं कर पाता है थर्टीन का लेवल तो मैं पूरा का पूरा जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो एग्जिट कर लूंगा मैनकाइंड फार्मा आईपीओ से अभी ये एक अच्छा बेस बना रहा है हमें 1380 से 1340 के आसपास होपफुली ये पर्टिकुलर आईपीओ इस पर्टिकुलर लेवल को नहीं तोड़ेगा तो यहां पे एक अच्छा कंसोलिडेशन फेज बन सकता है यहां से फिर अगर ये 1425 या 1430 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको इसमें एक ब्रेकआउट आते हुए भी दिख सकता है दैट्स इट फ्रॉम माई साइड आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू अ गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आई Happy investing.